नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूं नेटवर्क नर्स के इस क्लाउड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। ये पहली बार है कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ट्रेनिंग्स का प्लान कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर मैं आपसे उसी तरीके से बात करूंगा जिस तरीके से एक हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा क्ला हम बात जो है वो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के अंदर करें। सो इस पहले वीडियो के अंदर जो हमें पहली चीज़ समझनी है वो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग ने आईटी का सिनेरियो ही बदल दिया है। जो पहले जॉब्स थे वो ख़त्म हो गए हैं और एक नए किस्म के जॉब्स की डिमांड इंडस्ट्री के अंदर बढ़ रही है। अब समस्या क्या है कि लोग तैयार नहीं हैं इस नए स्किल्स के लिए, और हमारे पास जो शिकायत आती है वो ये है कि साहब जॉब्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जॉब्स बहुत हैं, विश्वास रखिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपसे यही बात करूंगा कि ये जो एक बदला है जॉब्स का, जो पैटर्न है वो क्या हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि खाली लिनक्स स्किल से अब जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको लिनक्स के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हुआ क्या, कहां से ये शिफ्ट हो गया। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं और बात करते हैं कि पहले जो कंपनीज थी या जो डेटा सेंटर्स बन रहे थे वो किस तरीके से बन रहे थे, तो भाई पहले कंपनीज को एक जगह लेनी पड़ती थी और सारा सामान जैसे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं और सर्वर्स हैं, वो सब खरीदना पड़ता था। तो उन्हें एक बहुत सारा पैसा एक साथ लगाना पड़ता था, इन्वेस्ट करना पड़ता था, और सारा सामान खरीदने पर ही कहानी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद एक कंपनी को ज़रूरत पड़ती थी कि भाई हमें बंदे चाहिए, हमें हायरिंग करनी है, तो उनको एक स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती थी। तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो सर्वर एडमिन्स हायर करती थी या हार्डवेयर इंजीनियर नाम से एक जॉब प्रोफाइल होता था, उस तरीके के लोग हायर होते थे। अब हायरिंग के बाद भी एक कंपनी को जो दिक्कतें आती थी वो ये था कि भाई हमें ये भी देखना है कि लोग जॉब छोड़ रहे हैं, एट्रिशन हो रहा है, तो एट्रिशन का भी ध्यान रखना है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी जो सर पे तलवार रहती थी वो ये है कि भैया डेटा का बैकअप कैसे होगा, और अगर डेटा चला गया तो बैंड बच जाएगी हमारी। सो इन सब समस्याओं से इनिशियली कंपनीज जूझ रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरीके से ये परेशान थी या उनके पास ये समस्याएं थी। तो अब मैं अगर कोई 4-5 साल पहले की बात करूं तो एक कंपनी है, अगर उसको डेटा सेंटर बनाना है, एक सेटअप लगाना है, तो पहले उनको जगह खरीदनी पड़ती थी। तो जगह या तो वो जो है किराए पे लेंगे या खरीदेंगे। अब ज़्यादातर ट्रेंड क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, IBM है या एरिक्सन है, ऑरेंज है, ये लोग जगह खरीदते नहीं हैं, ये लीज पे लेते हैं, क्योंकि अगर कभी कुछ बदलना पड़ा तो फटाफट मूव कर जाएंगे, जगह का हमारा कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है, तो ये लोग लीज पे जगह लेते हैं या रेंट पे लेते हैं। तो एक मुश्त मुझे रेंट देना पड़ेगा। रेंट देने के बाद एक जगह हमने खरीद ली एक कंपनी ने, उसने उसका रेंटल देना शुरू कर दिया। फिर उनको मशीनें खरीदनी पड़ती थी, जैसे सर्वर्स खरीदने पड़ रहे हैं, रैक खरीदने पड़ रहे हैं। तो ज़्यादातर कंपनीज IBM है, HP है, डेल है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके हार्डवेयर खरीदती थी। और कुछ एक जॉब प्रोफाइल जो पहला होता था उसका नाम था हार्डवेयर इंजीनियर, नाम से एक बंदा कंपनी में हायर करा जाता था। बहुत ही इज्जत मिलती थी इन जॉब प्रोफाइल पे काम करने वाले लोगों को, और ये वो लोग थे जो नॉर्मली हार्डवेयर वगैरह का कोर्स करे हुए हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जो हार्डवेयर का कोर्स करवाते हैं, वहाँ से हार्डवेयर की जानकारी लिए हुए हैं। तो जो मशीन असेंबल करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है हार्डवेयर को, उसको देखना है, बदलना है, तो ये सारे काम ये लोग करते थे। नॉर्मली ये लोग A+ वगैरह के सर्टिफिकेशंस या N+ वगैरह के सर्टिफिकेशंस लिए हुए लोग होते थे जिनको इस जॉब प्रोफाइल पे हायर करा जाता था। तो इनका काम था भाई कि हम सारा सेटअप वेटअप लगा दें, रैक वैक लगा दें, सर्वर वगैरह सेट शूट कर दिए,
पावर वावर सब कुछ कर दिया, ये सारा काम इनका था, पर बिना नेटवर्क के तो काम होगा नहीं। तो दूसरा एक जो कंपनी को हायरिंग करना पड़ता था, जो जॉब प्रोफाइल आता था, वो था नेटवर्क एडमिन्स का। ये भी बहुत ही एक इज्जत वाला जॉब है और था, अगर मैं ये बोलूँगा, अभी भी है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि नहीं है। ये वो लोग थे जो CCNA CCNP वगैरह करे हुए हैं, और इनका जो काम होता था वो था कि भाई हम स्विच लगा दें, राउटर कन्फिगर कर देंगे, स्विच कन्फिगर कर देंगे, VLANs बना दिया है, केबल कैसे बिछेंगी और नेटवर्क डिज़ाइन कैसे होगा, इंटरनेट से कनेक्टिविटी कैसे करवाई जाएगी। तो ये सारे काम जो नेटवर्क के थे वो इन नेटवर्क एडमिन्स के काम थे, और इस प्रोफाइल पे ज़्यादातर CCNA CCNP बंदों को हायरिंग होती थी। बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सब कुछ सेट हो गया, पर जब तक सर्वर्स पे, जो हमारे सर्वर हमने खरीद लिए हैं उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ेगा, और कोई हम जो हम एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हैं अगर वो रन नहीं होगी तो सब बेकार है। तो अब इसको छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, राइट। तो अब जो तीसरा लोग थे इसमें वो आते थे हमारे सर्वर एडमिन। ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल या बहुत ही सम्मान का एक जो है पोजीशन है। ये वो लोग हैं जो सर्वर्स हार्डवेयर इंजीनियर भैया ने जो लगा दिए हैं उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और जो भी एप्लीकेशन पे कंपनी काम कर रही है उस पे इंस्टॉल करेंगे। मान लेते हैं कि भाई एक सर्वर हमारा FTP सर्वर चल रहा है, तो इन भाई साहब का जो काम है वो ये है कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि ज्यादातर कंपनीज में जो डेटा सेंटर्स हैं उनमें जो सर्वर चलते हैं वो लिनक्स पे ही काम करते हैं। विंडोज के सर्वर मिलेंगे, अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं मिलेंगे तो गलत है, कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं, दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनी, उसमें गूगल भी है या और भी हैं, तो ये लोग ज़्यादातर लिनक्स के सर्वर्स पर ही रिलाय करती हैं या भरोसा करते हैं। तो इन भाई साहब का जो ये जो महाशय हैं, इनका काम था कि इस पे पहले जो है लिनक्स डालते हैं और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन डालना है वो इस पे डालेंगे। मान लीजिए इस पे FTP डाल दिया, इस पे सांबर डाल दिया, एक और मशीन ले ली उसको हमने अपाचे डाल दिया, जो हमारा वेब सर्वर है। अब ये जो लोग थे ये वो लोग हैं जो RSCE करे हुए हैं, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, ये वो लोग थे। जब सब कुछ सेट हो जाता है, इसको भी बंद कर देते हैं, ये हमारे YouTube के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो अच्छा लगता है देख के, पर अभी के लिए हम बंद कर देते हैं इसको। चलिए भाई साहब बंद हो जाइए, आप इतना तो गलत है, ये तो बंद नहीं होना, तो इसको बंद करते हैं, तो ये बंद नहीं हो रहा है, लेट्स क्लोज इट, ओके हो गया, इंग्लिश में ही शायद बंद होता है, ठीक है भाई। तो ये जब सब कुछ सेट हो गया उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज आ गए, हमारे कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो आ गए, और वो सारा सेटअप यूज कर रहे हैं। इस तरीके से एक कंपनी चलती थी। तो अगर मैं कंपनी को मैनेज कर रहा हूं तो मुझे इन तीन लोगों की सैलरीज देनी है, फिर मुझे हार्डवेयर की मेंटेनेंस करनी है, सर्वर रूम का मेंटेनेंस करना है, डेटा का बैकअप देखना है, कूलिंग नीड्स होनी चाहिए भाई साहब आपके सर्वर रूम के अंदर, वो सारी चीजें एक कंपनी को देखनी पड़ती थी। अब क्या होता है, अचानक से क्लाउड नाम की एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर समझना है, अगर मैं अभी उसका एक सीधी बात मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करूं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है भैया मेरा कंप्यूटर नहीं है, मेरा सेटअप नहीं है, मैं किसी और का सेटअप यूज कर रहा हूं। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं अपना डेटा सेंटर खुद लगाता हूं, जो पहले कंपनीज कर रही थी, तो उसका मतलब था कि एक छोटा सा मैं आपको जो है एक उसका उदाहरण दूंगा कि आपने कार खरीद ली, तो आपको कार का पैसा देना है, आपको कार की EMI देनी है, आपको कार का पेट्रोल या डीजल का पैसा आप देंगे, उसका इंश्योरेंस आप करवाएंगे, कुछ टूट फूट होती है वो आप देखेंगे, वियर एंड टीयर आप देखेंगे, सर्विसिंग आप करवाएंगे, चलाएंगे भी आप, तो ये सारा पैसा आपको ही करना है। ये हो गया जो पहले डेटा सेंटर्स बनते थे वो, कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है भाई साहब। अगर मैं 15 दिन ऑफिस नहीं जाता हूं तो इससे मेरी कार की EMI पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कार की EMI तो भाई साहब आपने देनी है। आप बैंक को जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब हम तो
15 दिन जो है घर पे ही थे तो आप 15 दिन के पैसे कम लें, ऐसा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, एक कंपनी आती है वो आपसे बोलते हैं कि भैया तुम क्यों अपनी कार खरीद रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। अब देखिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल है ओला उबर, तो ओला और उबर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है ट्रांसपोर्ट के, कि ना तो भैया मुझे कार खरीदनी, ना मुझे ड्राइवर की पगार देनी, ना मुझे पेट्रोल देना, सीएनजी देना, मेंटेनेंस करनी, सर्विस करनी, पॉल्यूशन करवाना, टूट फूट करवाने, कुछ नहीं करवाना। और मैं ओला और उबर को जब भी पैसा दूंगा जब मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं 15 दिन ऑफिस नहीं जाता हूं तो मैं 15 दिन के लिए ओला उबर को किसी को पैसा नहीं दूंगा। तो इसको आप समझ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गया। तो यहां पे कुछ कंपनीज आ जाती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अमेज़न वेब सर्विसेज है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। तो ये कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने पैसा लगा के डेटा सेंटर बनाए, बहुत बड़े बड़े सेटअप हैं साहब, इतने बड़े सेटअप हैं कि फुटबॉल फील्ड से बड़े बड़े जो है डेटा सेंटर हैं, हम नॉर्मल कंडीशन में सोच भी नहीं सकते। और ये कंपनीज के पास गए कि भाई आप क्यों पैसा लगाते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, आप हमारा सेटअप किराए पे लीजिए। कुछ कुछ ऐसा समझिए ना, ओला और उबर। अभी दोबारा आएंगे इसके ऊपर, पर मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद क्या हो गया, इसने क्या बदल दिया इंडस्ट्री में। अब समस्या ये हुई इंडस्ट्री के अंदर रातों रात की कंपनीज को सर्वर एडमिन वाले बंदे चाहिए ही नहीं, मुझे लिनक्स वाले बंदे तो चाहिए पर खाली लिनक्स स्किल्स वाले बंदे नहीं चाहिए। अब कंपनी मांग रही है सर्वर एडमिन की बजाय क्लाउड एडमिन, कि ऐसे लोग जो लिनक्स भी जानते हो। देखिए लिनक्स इग्नोर नहीं कर सकते आप, अगर मुझे आईटी में रहना है तो लिनक्स तो मुझे सीखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सर्वर सारे जो है लिनक्स पे ही चल रहे हैं, और तो लिनक्स स्किल्स तो चाहिए, प्लस में मुझे क्लाउड स्किल्स भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई हमारा डेटा सेंटर तो फिजिकल है ही नहीं, हमारा डेटा सेंटर तो क्लाउड पे चला गया। तो अब ये जो सारा सेटअप था ये रातों रात गायब हो जाता है, ये तीन जॉब प्रोफाइल खत्म हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं या हो रहे हैं। आज की डेट में खाली सिस एडमिन नौकरियां नहीं है, क्योंकि कोई सेटअप ही नहीं है हमारे पास रखने को। तो अब कंपनी को क्या चाहिए, किस तरीके से काम होगा, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब काम क्या होगा, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका जॉब प्रोफाइल है क्लाउड एडमिन। अब ये भाई साहब वो हैं जो लिनक्स भी जानते हैं और कंपनी का डेटा सेंटर क्लाउड पे कैसे बनाया जाएगा, कैसे वहां सेटअप लगाया जाएगा, कैसे नेटवर्क क्लाउड पे बनेगा, सर्वर कैसे डिप्लॉय होंगे, वो सारी चीजें ये भाई साहब जानते हैं। और जो तीन मेजर कंपनीज हैं जो आपको क्लाउड में मिलेंगी या आपको इनके स्किल्स लेने चाहिए, वो है अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS बोल देते हैं इसको। आपने बिल्कुल शायद दिमाग में आ रहा होगा ये amazon.com वाले तो नहीं है, देखिए यकीनन ये amazon.com वाले ही लोग हैं, हाँ मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, पर अब इनिशियली ये एक ही कंपनी थी, पर अब ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। सो amazon.com जहां से आप शॉपिंग शूपिंग करते हैं वो अलग एंटिटी हो गया है, और AWS एक अलग कंपनी बन गई है, पर जो शुरुआत हुई तो ये एक ही थे। दूसरा गूगल क्लाउड है और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, पर इन सब में सबसे बड़ा जो क्लाउड प्लेयर है वो है अमेज़न वेब सर्विसेज। इसीलिए आप इस कोर्स में और इस वीडियो को देख रहे हैं। अब क्या चाहिए इस बंदे से, क्लाउड एडमिन से? कंपनी मांगती है भाई ये जो क्लाउड एडमिन बंदा है इसको ये स्किल्स आने चाहिए, सबसे पहले लिनक्स तो आने चाहिए, कारण क्योंकि सर्वर्स जो है लिनक्स पे ही है। देखिए कोई मैटर नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज का कि सर्वर फिजिकल रखा हुआ है कि क्लाउड पर है, पर सर्वर लिनक्स पर होगा, तो लिनक्स तो इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो मिनिमम आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ये कोर्स परचेज करा है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और आपका इस कोर्स के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो पर पहली मेरी आपसे जो एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपको लिनक्स स्किल्स आने चाहिए। सो मिनिमम RSC SA लेवल तक के स्किल्स आपको दूसरे वीडियो देखने से पहले आने चाहिए, क्योंकि सर्वर लिनक्स पे ही हैं। ये कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखता है या मैटर नहीं करता है कि सर्वर कहां है, सर्वर किस पे चल रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो सर्वर लिनक्स पे ही है।
तो आपको पहले आरएससी से आना चाहिए। दूसरा आपका जो कदम होगा, जो पड़ाव होगा, अगर हम कौन बनेगा करोड़पति की तरीके से बात करते हैं, तो दूसरे पड़ाव पे आपको अमेज़न वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड और एज्योर, इन तीन में से कोई या जितने ज़्यादा आप सीख सकें उतना आपके लिए बेहतर है, ये स्किल्स आने चाहिए। तो हमारा जो कोर्स है ये आपको इस कोर्स में जो आपने एनरोल करा है, जो आपने एडमिशन लिया है, जो आपने खरीदा है अभी, वो आपको अमेज़न वेब सर्विसेज पे ट्रेनिंग देगा या आपको सिखाएगा। और जो हमारा पहला सर्टिफिकेशन है वो है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल। और तीसरा, अगर बहुत अच्छी बात है आपको ये सारे आए, सारा जो पूरा पूरा स्टैक है ये आए, वो है टेराफॉर्म, क्लाउड पे ऑटोमेशन टेराफॉर्म के थ्रू होता है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डिमांड में ये टूल है और लोगों को पता नहीं है, हैरानी की बात यह है। और चौथा स्टेप जो आपका आखिरी पड़ाव होगा, आखिरी तो नहीं कहूंगा, अगले 5 साल के लिए रहेगा, कि आपको डेवऑप्स में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आने चाहिए। शायद आपने नाम सुने हो, एंसिबल, पपेट, गिट, डॉकर, जेनकिंस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए जो डेवऑप्स का पार्ट है। तो जो लोग बोलते हैं कि साहब नौकरी नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों। और अगर आपको कहीं से लग रहा है कि मैं किसी की नकल कर रहा हूं तो आपको ठीक ही लग रहा है। तो आपको लिनक्स के साथ साथ कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स आने चाहिए। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसका एक चीज यह है कि आपको लिनक्स आता है। तो हम अब दूसरे वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जिस पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, क्यों वो इतना पॉपुलर है, इस बारे में हम बात करेंगे। पर मुझे इस बात का यकीन है कि मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये बताने में सफल हूं कि जॉब शिफ्ट कहां हुई है और क्यों खाली जो है लिनक्स स्किल्स को लेकर जॉब नहीं है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, कि लिनक्स चाहिए पर खाली लिनक्स नहीं चाहिए। समझ आ रही है आपको बात? लिनक्स के बिना नहीं चलेगा, पर खाली लिनक्स से भी नहीं चलेगा। आपको उसके ऊपर 2, 3 और 4 स्टेप्स में जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपसे मिलता हूं दूसरे वीडियो के अंदर। धन्यवाद।